राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा सके। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि इस कार्यक्रम के लागू होने के 6 वर्ष बाद भी वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के भरतपुर गांव निवासी कविता देवी सहित कुल 1000 लोगों के बीच में सिर्फ एक हैंडपंप है, जिससे लोगों को पानी पीने की काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ 1000 की आबादी है और बहुत पिछड़ा गांव है। 1000 की आबादी में सरकारी नल केवल एक ही है और यहाँ के गांव के जो प्रधान हैं वो कभी इस गांव की तरफ ध्यान दिए ही नहीं, न कभी सर्वे करने आए न कभी देखने आए। अब एक नल सरकारी में कौन पानी किसी को कितना यूज़ करने देगा? औरतों को दिन भर पानी का काम रहता है, अब किसके दरवाजे जाएंगे पानी मांगने? ये कपड़ा धोना है, बच्चे लोग को नहवाना है, गोरू भैंस है वो लोग को पानी डालना है, अभी तो नहीं है, अभी आ जाएंगे तो फिर कहाँ से ले आएंगे, इतना कितना चलाएंगे? ठीक है, अब तो पहले बूढ़ी सब एक पानी में सब्जी धो के डालती थी, और अब की लड़की 3 पानी 4 पानी से धोती है ना, तो 2 बाल्टी पानी उसमें खर्चा होता है, तो सब चीज़ का दिक्कत है। तो पूरे दिन भर में कितनी बाल्टी पानी? 50 बाल्टी। ये पानी लाता कौन है? हम लोग ही लेते हैं, और कौन लाएगा? आदमी तो है ही नहीं, हम लोग का भी ऑपरेशन हुआ है, हम लोग को दिक्कत होती है चलाने में। भाई ये मोदी जी कहे हैं कि समय बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे, तो कब आएंगे? मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इस गांव में और भी हैंडपंप लगे, ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप चोलापुर वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4652-88 पे कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।